अच्छा हम टॉपिक डिस्कस करेंगे काइनेजोलॉजी का, वो होगा स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन हमारे पास बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेजोलॉजी का। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वाईवे में भी और थेरी के लिहाज से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक पोजीशन हमारे पास मस्ट आती है पेपर में। सो इसलिए इसको जो है स्टार्टिंग पोजीशन को हम ज़रा डिटेल में देखेंगे। बेसिकली हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन होता क्या है? स्टार्टिंग पोजीशन हमारे पास कोई भी ऐसे पोस्चर जो कि मूवमेंट को इनिशिएट करे उसको हम कहते हैं स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, एनी पोस्चर डेट इनिशिएट द मूवमेंट, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टार्टिंग पोजीशन। अब स्टार्टिंग पोजीशन में हमारे पास फाइव फंडामेंटल पोजीशंस आ जाती हैं। पोजीशंस कौन कौन सी? स्टैंडिंग, सेकंड पे हमारे पास आ जाएगा सीटिंग, थर्ड पे हमारे पास आ जाएगा लाइंग, फोर्थ पे हमारे पास होगा नीलिंग और फिफ्थ पे हमारे पास आ जाता है हैंगिंग। ये फाइव फंडामेंटल हमारे पास पोजीशंस हैं, ठीक है, जिसको हम स्टार्टिंग पोजीशंस बोलते हैं। अब इन पोजीशंस में हम क्या कुछ डिस्कस करेंगे? इन पोजीशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा पोस्चर क्या होगा, हमारा जो सा है बॉडी का कौन सा पार्ट फ्लेक्स्ड है, कौन सा पार्ट हमारा एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो इस लिहाज से हम जो सा है बॉडी का पोस्चर देखेंगे। सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे कि मसल वर्क क्या है। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, ठीक है। तो ये जो से हम जो तीन चीज़ें वो डिस्कस करेंगे हर फंडामेंटल पोजीशन की।